नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपका है हाउ मच क्वांटिटी ऑफ स्टील रिक्वायर्ड फॉर 1 मीटर क्यूब कंक्रीट। 1 मीटर क्यूब में जो है अगर हम जो है 1 मीटर क्यूब का कंक्रीटिंग करेंगे उसमें जो है कितना स्टील आना चाहिए, कितना रेनफोर्समेंट आना चाहिए। नॉर्मली आपको बता दूँ, अगर हम बात करते हैं फाउंडेशन की, कॉलम की, बीम का, स्लैब का, लिंटल का, ये सारा चीज़ में अलग अलग लोड आता है, तो लोड के हिसाब से क्या होता है कि रेनफोर्समेंट भी कम होता है। तो अगर हम बात करें स्लैब और बीम के कंपेरिजन में, तो बीम में ज़्यादा लोड आएगा स्लैब से। तो इसलिए जो है आज हम आपको जो है बताएंगे कि कितना परसेंटेज वॉल्यूम के हिसाब से उसमें जो है रेनफोर्समेंट रहता है। तो हम शुरू करते हैं, पहले शुरू करते हैं फाउंडेशन से। पहला है मेरा फाउंडेशन, फाउंडेशन सबसे आपका बेस हो गया और वो आपका जो है सबसे नीचे जो मतलब बेस में रहेगा, ग्राउंड में वो एग्जिस्ट करेगा। तो उसमें क्या होता है आपका जो है उसमें आपका रेनफोर्समेंट का जो है परसेंटेज रहेगा कंक्रीट वॉल्यूम से वो आपका रहेगा लगभग जो है 0.5 से 0.8। ये आपका रहेगा 0.5% से लेकर 0.8% तक। अगर मान लीजिए हम निकालते हैं 1 MQ में, हम यहाँ पे 1 MQ क्यों कर रहे हैं? अगर हम मोटा मोटी एक हम आपको बात बताएं कि आपका कोई कंक्रीटिंग एरिया जो है, कोई आप घर बनाना चाह रहे हैं, वहाँ पे अगर मान लिया जाए कि आपका जो है 60 MQ कंक्रीटिंग वहाँ पे पूरा लगने वाला है, तो आप एक मोटा मोटी अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पे मुझे जो कितना रेनफोर्समेंट जो है मार्केट से खरीदना पड़ेगा, कितना टन जो है, कितना केजी जो मुझे लगेगा। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं, तो फाउंडेशन में जो है लगेगा आपका 0.5 से 0.8। तो अब इसको निकालना कैसे है? अगर हम चलें मिनिमम, क्या मिनिमम 0.5 से 0.8 तक, अगर 0.5% है ये हो जाएगा आपका, और निकालना हमको 1 MQ में, तो यहाँ लिख देते हैं मिनिमम 0.5 और परसेंटेज को हटा देंगे, डिवाइड कर देंगे 100 से, कितना हम निकालेंगे 1 MQ में, 1 MQ में निकाल रहे हैं, और 1 MQ में जो है स्टील का वेट होता है 7850 इतना केजी। ये मेरा कितना आ जाएगा, देखिए हम यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं आपको, 0.5 / 100 × 1 × 7850, ये आपका आ गया लगभग 39.25। ये हो गया आपका 39.25 kg, ये हो गया। और मैक्सिमम कितना है, मतलब फाउंडेशन में रेनफोर्समेंट लगेगा 0.5 से 0.8% तक, ये कंक्रीट वॉल्यूम का मैक्सिमम हो गया आपका 0.8% में जो है आपका इस तरह कर दिया 0.8 × 100 × 1 × 7850। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 62.8 kg, ये हो गया आपका फाउंडेशन में। अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, चलते हम कॉलम में, तो नॉर्मली कॉलम जो है थोड़ा सा जो हैवी रहता है, तो कॉलम में आपका जो हो जाएगा ये इसमें जो है 0.8 से लेकर 6% तक भी स्टील यूज करते हैं कंक्रीट वॉल्यूम का, याद रहे। तो कॉलम में आएगा आपका दोस्तों 0.8% से 6%। हम आपको एक चीज़ याद दिला दूँ, ये चीज़ जो है ये आपका जो है एक तरह से थंब रूल है, एज पर जो है साइट के अनुसार है, साइट स्ट्रक्चर इंजीनियर जो है रेनफोर्समेंट का जब डिज़ाइन देते हैं उस समय ये चीज़ जो है निकाला जाता है, उसी एनालिसिस के बेस्ट पे ये है, इसलिए जो इतना भेरी कर रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट मतलब कि
उस एरिया में, उस स्लैब में, इस बीम में कितना चाहिए, आपके पास दो है, आप BVS निकाल के निकाल सकते हैं, या नहीं तो आप डिजाइन लोड जो होता है उसको उससे निकाल सकते हैं। वहाँ आपको एग्जैक्ट जो है रेनफोर्समेंट निकल जाएगा, लेकिन हम उसको भी एग्जैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा अगर रेनफोर्समेंट कुछ जगह पे 9 मीटर का आता, कुछ जगह 12 मीटर का आता, अगर मेरा जो कहीं पे जो है रेनफोर्समेंट जो है 8 मीटर का है, 9 मीटर वाला अगर साइट में आया हुआ है रेनफोर्समेंट, तो 8 मीटर यूज हुआ, 8 मीटर का कटिंग लेंथ के अनुसार, फिर 1 मीटर क्या होगा, 1 मीटर वो मेरा वेस्ट में चला गया। तो इसलिए जो है रेनफोर्समेंट का जो है एक लमसम जो है अनुमान लगाया था, एस्टिमेट किया था कि भाई इतना जो है केजी लगेगा। इसलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ कि ये कोई एज पर आई स्कोर नहीं है, एज पर जो है साइट एनालिसिस के ऊपर है, और इतने सारे ड्राइंग को एनालाइज करने के बाद जो है, एस्टिमेशन करने के बाद जो है, वो इस तरह से आया है। तो हम आगे बढ़ते हैं कॉलम में, 0.8% to 6%। तो मिनिमम हो गया आपका 0.8 by 100 into 1 into 7850, ये कितना हो गया, यही वही आपका 62.8 kg ये हो गया। अब मैक्सिमम मेरा कितना हो जाएगा, इसी में मैक्सिमम 0.0 नहीं, मैक्सिमम मेरा कितना 6 है, 6 by 100 into 1 into 7850, ये आ जाएगा दोस्तों आपका, ये हो गया, हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 471 kg। इस तरह से अब नेक्स्ट कॉलम हो गया, अब बीम में चलते हैं, बीम में हम होगा आपका दोस्तों, बीम में होगा आपका, कॉलम के बाद आएगा बीम, बीम में आपका होगा 1% से लेकर के 2% तक, इसको याद रखिएगा, बीम में होगा आपका 1% to 2% ऑफ कंक्रीट वॉल्यूम। अब इसको तो इसमें मिनिमम हो जाएगा 1 by 100 into 1 into 7850, ये आ जाएगा, ये आपका आ गया 78.5 kg स्टील लगेगा। मैक्सिमम की बात करें तो 2 by 100 into 1 into 7850 क्या है, 7850 जो 1 MQ में जो आपका जो है कितना स्टील लगता हुआ है, या फिर से याद रखिए, याद रखिएगा इसको। तो ये दोस्तों हो गया आपका 2 है ना, 157 kg। अब इसी तरह चलते हैं लास्ट स्लैब और लिंटल, स्लैब चाहे लिंटल, इसमें कितना लगेगा, इसमें सबसे कम लगेगा आपका 0.7 से 1% के बीच में रहेगा आपका, 0.7 to 1%। अब इसमें जो है इसी तरीके से आप निकाल लीजिए, तो इसका मिनिमम हो जाएगा आपका 0.7 है ना, देखिए जल्द फटाफट निकालिए, इसमें ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, 0.7, ये हो गया आपका 54.95 kg, और आपका मैक्सिमम कितना 1 है, 1 वाला हम निकाले थे, तो ये हो गया 78.5 kg। मतलब इसी दोनों के बीच रहेगा आपका। अब ये तो हो गया फाउंडेशन, हो गया कॉलम, हो गया बीम, हो गया स्लैब और लिंटल हो गया, ये इतना जो है इसी के बीच आएगा। अगर हम इसको एक ओवरऑल एक एवरेज टाइप का निकाल लें, तो आपका आएगा जो है कोई भी जितना टोटल
कंक्रीटिंग होगा उसका जो है 2.5% एवरेज। एवरेज की अगर हम बात करें तो एवरेज आपका जो है 2.5%, मतलब मान लिया जाए कि अगर मेरा जो है एक एमक्यू का अगर मेरा कास्टिंग होता है कोई भी एरिया में, तो वो आपका हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा, ये हो गया एवरेज। तो 2.5/100 इंटू एक एमक्यू इंटू 7850, ये देखिए कितना आता है, 2.5/100 इंटू 1 इंटू 7850, ये आएगा दोस्तों आपका 196.25, ये आ जाएगा इक्वल टू 196.25। तो इसको हम जो है ये भी कर सकते हैं, 200 kg मतलब 2 क्विंटल, मतलब एक मोटा मोटी देखा जाए तो एक एमक्यू में जो है, एक एमक्यू में जो है आपका जो है 2 क्विंटल मतलब 200 kg जो है आपको जो है स्टील लगेगा, ये याद कर लीजिए। अगर आपको कोई एस्टिमेट निकालने के लिए बोलेगा तो आप पहले क्वेश्चन पूछिए कि भाई कंक्रीट वॉल्यूम कितना है, पूरा बिल्डिंग में कितना कंक्रीट लगेगा। अब जैसे कंक्रीट वॉल्यूम निकल गया तो एक एमक्यू में जो है 2 क्विंटल, तो जितना कंक्रीट वॉल्यूम है, अगर मान लिया जाए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मेरा जो 60 एमक्यू का जो है कास्टिंग होगा एक बिल्डिंग में, 60 एमक्यू का है, तो उस हिसाब से जो है तो हम जानते हैं कि एक एमक्यू बराबर 2 क्विंटल, तो 60 एमक्यू बराबर कितना हो, 60 एमक्यू कितना हो जाएगा, 60 × 2 तो 120 क्विंटल, 120 क्विंटल, ये क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 क्विंटल बराबर क्या होता है, 1 क्विंटल बराबर 100 kg, तो 120 क्विंटल बराबर क्या हो जाएगा, तो 12,000 kg। तो यही केजी को अगर हम फिर टन में निकालेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, टन में निकालेंगे, ये हो जाएगा 12 मेट्रिक टन। मतलब अगर मेरा जो है 60 एमक्यू का जो है कंक्रीट होने वाला है, वहां पे जो है 12 मेट्रिक टन जो है मेरा स्टील यूज होगा। क्लियर है दोस्तों, एकदम साफ सुथरा ये सारा कैलकुलेशन मैंने आपको बता दिया, और आंख बंद करके, दिस इज थंब रूल, ये कोई आईएस कोड में नहीं लिखा रहेगा, दिस इज थंब रूल एज पर साइट प्रैक्टिस। ये आपका जो है एक एमक्यू में याद रखिएगा 2 क्विंटल मतलब 200 kg जो है आपका स्टील रहेगा। आप कोई भी कंक्रीटिंग एरिया ले, चाहे वो कॉलम हो, चाहे फाउंडेशन हो, चाहे आपका जो है बीम हो, चाहे स्लैब हो, उसको सारा को मिला करके एक एवरेज जो आएगा वो आपका आएगा 2 क्विंटल मतलब 200 kg एक एमक्यू में। उस तरह जितना आपका एरिया वॉल्यूम निकलेगा, चाहे वो आपका 10 हो, 20 हो, 100, 200 जितना है उससे इंटू आप कर दीजिएगा तो आपको क्विंटल में निकल जाएगा, क्विंटल को फिर केजी से मेट्रिक टन में निकल दीजिए, सिंपल है। तो दोस्तों बस उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा जो प्रयास था ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कुछ इस चीज़ को लेकर कुछ डाउट है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं जो है उसको आपको क्लियर कर दूँगा। एक और चीज़, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। अब लाइक कर रहे हैं ठीक है, अब कमेंट भी कर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, ख़राब लगा, कि कुछ मुझे कुछ में सुधार करना चाहिए। और सबसे लास्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल वा को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, उसको कर दीजिए ना, कहा जाता बताइए तो। और जैसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ना, उसके बगल में एक बेल आइकन भी बन जाएगा, फटाफट बनेगा, और उसको भी क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट क्या है ना, कि जब जब हम जो है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे ना, तो सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में शो करेगा, समझे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।